चाचा तू तो हाँ हाँ तेरे बाप ने तो बहुत शेर मारे ना। चुप है चाचा, तुम दादाजी को लेने स्टेशन जा रहे हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ। बैठिए भाभी, जाके पूछ ले। तुम पूछ लो ना। बेटा भाभी से कह दे कि मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ। चल चल। माँ माँ छोड़, सब्जी काटने दे। माँ मैं चाचा के साथ स्टेशन जाऊँ? नहीं स्टेशन नहीं। अरे बहू, बड़ाई को कह दिया आगे फाटक बना जाएगा। और ये लो चिरौंजी, ये साबुदाना और ये रंग। अरे छोटी बहू, अभी आती हूँ। मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो। तू जा, मैं हूँ ना। चलिए स्टेशन जाऊं? बोला ना नहीं। अरे जाना चाहता है तो जाने दो। नहीं नहीं, वहाँ रेलगाड़ी आती जाती है, मुझे तो डर लगता है। सब रेलगाड़ियों की दुश्मनी है तुम्हारे सपूत से, देखते ही पटरी छोड़कर पीछे लग जाएंगी। तुम तो बस अच्छा बाबूजी की पसंद की सब्जी बन रही है। अरे जाने दो उसे। बिगाड़ो हमें क्या है, ऐसे ही भूत बन के जाओगे? जाओ नहालो और फूफू से कहो निर्मला। जी भाभी। जरा दीपक के कपड़े निकाल दे भिन्नो। जी अभी निकाल देती हूँ। जा, अब उसने तो कच्ची सब्जी चबाने लगे। जिसे देखो आज काम में लगा है बाबूजी को दिखाने के लिए। हाँ रोज तो सारा काम पुराने बरगद की चुड़ैल करके जाती है। अरे ये पहिया अभी तक यहीं पड़ा है। ये रामलाल भी बुढ़ापे में बिल्कुल सिर्री हो गए हैं। उनसे कहा था कि बैठक और बाबूजी का कमरा साफ करा दो, लेकिन अभी तक उनका पता ही नहीं। राधा के साथ मंदिर गए हैं, आते होंगे, हो जाएगा। अरे निन्नी ना के तैयार हो जाओ, स्टेशन जाना है कि नहीं? अभी आया। रुक्मिनी, समझ में नहीं आता इस चिड़ी मार को राधा जैसी सुशील लड़की कैसे मिल गई। बाबूजी से कहकर मैंने बात लगवाई थी, मगर मेरा एहसान थोड़ी कोई मानता है। लाखों में एक देवरानी लाई हूँ, नहीं तो आजकल की बहुएं डोली से उतरी और आंगन में दीवार खड़ी करती। अब देखना अपनी निम्मो के लिए कैसा वर ढूंढती हूँ।